हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसका टॉपिक लैंग्वेज किस प्रकार से चेंज करते हैं वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो का फोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरी चैनल में पहली बार है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है और सेटिंग ओपन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आता है इस प्रकार से, एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा लैंग्वेज ऐप्स पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। ये वाला ऑप्शन बहुत है अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है हम इंडिया के रहने वाले या फिर कहीं से भी देश का अमेरिका या कहीं सा भी, तो फ्रेंड्स आप वो सेट कर लेंगे। जैसे मैं इंडिया की रहने वाली थी, मैं इंडिया पर क्लिक कर दी तो इंडिया ही सेट रहेगा। एंड इसके बाद आप यहाँ देखते हैं ऐड अ लैंग्वेज, आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। तो हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु सब आपको यहाँ दिख जाती है। और सबसे नीचे आपको चाइनीज, सिंपल चाइनीज, ये सब मतलब कि हर एक चीज़ दिख जाता है। देख सकते हैं अरबी एंड उर्दू, मराठी, नेपाली और हिंदी, आसाम, बंगाली, पंजाब, गुजराती, उड़ीसा, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम और ये सब दिख जाता है आपको। तो सबसे नीचे आपको कोरिया और कोरिया का लैंग्वेज है इधर, और देख सकते हैं चाइनीज, सिंपल चाइनीज, जापनीज एंड जो भी आपको लगता है वो आप सेट कर सकते हैं, जो आपको आता है वो भाषा। कई लोगों को बहुत से भाषा आती हैं, तो फ्रेंड्स वो जो 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 आपको पूरा अच्छी तरह से आता है वो सेट कर सकते हैं। मेरे को तो हिंदी भी आती थी फ्रेंड्स, मैं ये सही सेट कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं हिंदी आ गया है। एंड इसके बाद आपको इनमें से एक हटाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा आप उसको ऐसे कर लेंगे, ऊपर को ऐसे स्लाइड पर प्रेस करके रखेंगे, तब उसको ऐसे ऊपर की साइड करेंगे, जो सबसे ऊपर होता है वही आपको सेट हो जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका चेंज टू हिंदी का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे और आपका हिंदी चेंज हो चुका है, लैंग्वेज ही चेंज हो चुका है। देख सकते हैं बैक कर दी तो देख सकते हैं पूरी लैंग्वेज चेंज है। वापस इंग्लिश में करना है तो भाषा क्षेत्र पे क्लिक कर देंगे, फिर इंग्लिश को ओपन कर देते हैं तो आपका वैसा ही हो जाएगा। और ऐप देखेंगे, ऐप नेम भी आपका हिंदी में हो चुका है, देख सकते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं वापस से इस पर क्लिक करती हूँ तो इंग्लिश को ओपन कर देती तो आपका फिर बदल कर अंग्रेजी करें, उस पर क्लिक कर देंगे फिर से आपका इंग्लिश हो गया है। तो यहाँ देख सकते हैं बैक करके पूरा लैंग्वेज इंग्लिश में हो गया है। एंड इसे होम करेंगे फिर देख सकते हैं पूरे ऐप अब हिंदी से अब इंग्लिश हो गए। कुछ कुछ ऐप आपका हिंदी में रहता है, मतलब इंग्लिश में रहता है अगर हिंदी सेट करते हैं। एंड इसके भाषा इनपुट पर क्लिक करेंगे, इनमें से एक हटाना चाहते थे टू डॉट पर क्लिक कर देंगे, एडिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैं हिंदी हटाना चाहूँगी, डिलीट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देंगे और आपका हट जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में लैंग्वेज हटा सकते हैं और मतलब कि यहाँ से हटा सकते हैं और इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं लैंग्वेज। और फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया किस प्रकार से लैंग्वेज चेंज करते थे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।